सर मैं बहुत ही फक्र महसूस करता हूं, आज बचपन में जिस गांव में मैं पैदल चलता था, जिस जगह मैं बचपन में पैदल जाके 6-6, 7-7 दिन लगते थे, आज 3-4 घंटे में मैं गाड़ी से पहुंचता हूं। ये बदलाव हमने 10 सालों में देखा। अध्यक्ष महोदय, सर एक मिनट बैठिए, प्लीज ना बहस करते हैं, प्लीज बैठिए। उन्होंने ऐसा कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा जिस पर आप निपट रहे हो, और वो रिकॉर्ड में भी जाएगा माननीय मंत्री जी। चलिए सर, 1947 से 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट बने, और 2014 से 2024 के अंदर में 17 एयरपोर्ट हो गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। नेशनल हाईवे 2014 तक टोटल बने हैं 10,900 किलोमीटर, और 2024 तक मोदी जी का 10 साल कार्यकाल में 16,207 किलोमीटर बने हैं। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, मैं गिनती करना नहीं चाहता हूँ। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट अष्ट लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं, और हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक राज्य का एक घटना को लेकर के बार बार बोलते हैं, उसका हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों के समय में कांग्रेस ने क्या हालत करके रखा था नॉर्थ ईस्ट। सर इनको आप मैं इतने सालों से इस संसद में सदस्य हूं, 2014 तक आपको मालूम है सर, आप भी ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया में जितना भी बता दो, दुनिया में जितना भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये मैं कहते हुए फक्र नहीं कर रहा हूं, दुनिया में जितना भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी संख्या सबसे ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट में थे 2014 तक। आपने ऐसे बना दिया था नॉर्थ ईस्ट को, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने में, हाँ मैं सारा ऑथेंटिकेट कर दूंगा, इतना ज्यादा संगठन बना के रखा था इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को दिया नहीं दिया, इनके लिए तो नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी आज बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जितने बार नॉर्थ ईस्ट जाते हैं उनके प्रधानमंत्री चले, उनके मंत्री भी नहीं जाते थे नॉर्थ ईस्ट में इनके समय में, और आज यहाँ बैठ करके घरेलू आंसू बहाने का काम करते हैं। दिल्ली में मिलते भी नहीं थे सर, कल सर तो इन्होंने संविधान के बारे में तो कल ज्यादा जिक्र नहीं किया, मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी संविधान के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया उसका कारण है, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहता हूं उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 106 बार जो हुए हैं मैं उसको बताना चाहता हूं। आप संविधान बदलने का जो बात करते हैं, संविधान बदलने का प्रक्रिया भी संविधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो होते आए हैं। कांग्रेस यूपीए के समय में टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने 75 टाइम्स किया है, और एनडीए बीजेपी के टाइम में भी हुए हैं 25 टाइम्स हुए हैं, जनता दल के नेतृत्व में जब सरकार बने 7 बार हुए हैं, जनता पार्टी के समय में 2 बार हुए हैं। फर्क क्या है, फर्क जानना चाहिए, संवैधानिक बदलाव क्यों किया गया था। आपने संविधान को अमेंडमेंट किया, एक मिनट एक सेकंड
एक सेकंड, आप मैं फिर आपको आग्रह करता हूं और फिर आग्रह विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप कई बार बैठे बैठे आसन पर टिप्पणी करते हैं कि इनका समय खत्म हो गया। आपको पता है कि इनका समय खत्म हो गया? 5 घंटे 18 मिनट भारतीय जनता पार्टी का समय है, ठीक है ना? और आप सब अगर ये चाहते हैं कि बिल्कुल समय से बोलने दिया जाए तो आगे भी ये व्यवस्था कर दूंगा मैं, हाँ ठीक है। तो उनका समय अभी पूरा है, 5 घंटे 28 मिनट समय है माननीय राजनाथ सिंह जी, और ये मिलाकर अभी ये बोले हैं कितने, 1 घंटा 63 मिनट पहले वाले वक्ता बोल चुके हैं। कितना है? 1 घंटा 63 मिनट कुल वक्ता। आप चलिए बोलिए, आपका समय जब मेरा समय समाप्त होगा अध्यक्ष जी मुझे बता देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष जी ने आपको भी टाइम दिया है, हमको भी टाइम दिया है। देखो समय संख्या से तय होता है, मैंने समय अपने आप से मर्जी से नहीं लिया है। सर मैं कह रहा था, सर संवैधानिक बदलाव, संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं वो आपने भी किया है, हमने भी किया है, आपने ज्यादा किया हमारा कम है, लेकिन मैं केंद्रित किस बात में करना चाहता हूँ। आपने अमेंडमेंट किस लिए किया था? 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया? वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जजमेंट दिया उसको बदलने के लिए आपने संविधान को, आपने 42nd अमेंडमेंट क्यों किया? संविधान को जो प्रीएम्बल को बदलने के लिए आपने 42nd अमेंडमेंट संविधान को किया है। हमने संविधान बदलाव किया महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, संविधान का बदलाव किया, हमने संविधान का बदलाव किया है ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देने के लिए, हमने संविधान का बदलाव किया है। संविधान बदलाव का भी कारण जानना चाहिए, आप बिना कारण कैसे बोलते हो? साहबानों को काम नहीं, आप साहबानों को मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए उसको रोकने के लिए आपने संविधान का बदलाव किया। फर्क है संविधान बदलाव में। सर आपने राष्ट्रपति शासन कितना बार लगाया आपको मालूम है? इतना ज्यादा लगाया आप भूल गए होंगे। आप टोटल अभी तक 132 बार आर्टिकल 356 का ये हुआ। देखिए सर मैं सबका बताता हूँ, आईएनसी यूपीए ने 90 टाइम्स आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का समय भी हुआ है, कारण थे बारोबार जनता दल का नेतृत्व में जब सरकार बने 8 बार, जनता पार्टी के समय में 22 बार। अब आप हमको कहते हैं कि हम संविधान को हत्या करते हैं, संविधान को हम नहीं मानते, ये कारण जानने के बाद आपको दुख नहीं लगता कि आपने झूठ बोल दिया, गलत बात बोल दिया? संविधान का हत्या तो आपने किया है, संविधान का हमला तो आपने किया है, संविधान का प्रीएम्बल कोई आपने बदल डाला, संविधान का मूल आत्मा कोई आपने बदल डाला, फिर आप दूसरे को किस मुंह से किस हिम्मत से आप आलोचना करते हैं? सोचना चाहिए, सत्य बोलिए, असत्य मत बोलिए। और महाराष्ट्र हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया। सर जुडिशरी के बारे में, कल जुडिशरी के बारे में काफी जिक्र हुआ, मैं उसको लंबा नहीं दोहराना चाहता हूं। सर मैं संविधान को जब चर्चा कर रहे हैं, देखिए आप चिंता मत कीजिए मैं 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा, अभी समाप्त कर दूंगा। दर्द हो रहा है इनको, दर्द हो रहा है। मैं 5 मिनट दूंगा आपका समय, मैं बता रहा हूं। ऐसे माननीय सदस्य कोई विषय हो तो टेबल पे जाकर मालूम कर ले, लेकिन सदन चाहता है तो कितना समय, 2 घंटे और 34 मिनट भारतीय जनता पार्टी का समय है। बोलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, संविधान के बारे में बात करते समय
संविधान के बारे में चर्चा करते समय भी और चर्चा नहीं करते समय भी संविधान का सम्मान करना हम सबका जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, इस देश का किसी मुख्यमंत्री ने आपके पार्टी हमारे पार्टी का सवाल नहीं, इस देश का कौन वो पहला मुख्यमंत्री है जो संविधान यात्रा निकाला था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात का सीएम बना, पहली बार उन्होंने संविधान यात्रा निकाला, और संविधान सम्मान यात्रा निकालने का कारण था कि संविधान को सिर्फ पकड़ना नहीं, गांव गांव तक लोगों का दिल तक ले जाना है और संविधान के बारे में लोगों को बताना है, इसलिए संविधान सम्मान यात्रा निकाला। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बना, इस देश में इतने साल तक इन्होंने शासन किया, संविधान के बारे में कभी उन्होंने सोचा है? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कारण से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। 2015 में पहली बार हमारे देश में संविधान दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इतने साल तक आपको संविधान याद नहीं आया, और उस समय आपका बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब संविधान दिवस मनाया जा रहा था, उनके नेता ने कहा संविधान दिवस मनाने का क्या जरूरत है, 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग, संविधान दिवस क्यों मनाना चाहते हैं? नाम मत पूछे, मुझे रखना पड़ेगा फिर नाम, नाम मत पूछे, आप खुद समझ लीजिए। सर जब संविधान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हमने संविधान का संरक्षण के लिए क्या किया है, इसका भी खुद मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। सर मैं एक दो सवाल, अगर आप लोग बीच में टोका टोकी नहीं करते तो मैं अपना बात को कुछ पॉइंट बोल करके समापन करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे टोका है तो मैं बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन, कुछ छोटा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं। सर आप ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया, उसके बाद दोबारा वो चुन के आना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को पीछा करके मुंबई में और विदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर को क्यों हराया और दोबारा इस लोकसभा में चुन करके आने का मौका नहीं दिया? इस लोकसभा सत्र में मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब के लिए कितना अच्छा होता अगर बाबा साहब फिर से चुन के आते 1952 इलेक्शन में। बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा में दोबारा चुन के आने नहीं दिया, और कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके बाबा साहब अंबेडकर को हराया है। हो सके तो बाबा साहब की याद में देश से माफी तो मांग ले, आपका पाप कुछ तो कम हो जाएगा। सर आप कहते हैं कि आप बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण होने के बाद 1990 तक आपने बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 1956 के बाद आप पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, खुद को भारत रत्न भी दिया, इंदिरा गांधी जी खुद प्रधानमंत्री थी, खुद को भारत रत्न दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट को हराने के बाद, तब जाकर के 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, तब जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप बताइए कारण, इतने साल तक आपके शासनकाल में भारत रत्न से बाबा साहब अंबेडकर को क्यों नहीं नवाजा गया है? आपको जवाब देना पड़ेगा, हमको नहीं सही, देश के करोड़ों लोगों को आप जवाब देना पड़ेगा, कुछ तो कारण होगा। मैं मानता हूं कि इस देश में अगर किसी को पहला भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में आपने क्या किया बताइए?
जो काम के स्कीम चलाया बाकी को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीर्थ स्थल, 5 तीर्थ स्थल का जो प्रमुखता दिया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। सर, मऊ में जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, वो जन्मभूमि तीर्थ स्थल जो है बाबा साहब का जन्मभूमि के नाम से विकसित किया जा रहा, क्योंकि पहले से था उसको और भव्य तरीके से आगे विकसित किया जा रहा। लंदन में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहां वो वकालत पढ़ाई किया, जिस घर में रह करके, मैं जब गृह राज्य मंत्री था तब भी उस घर में गया, मैं जब खेल मंत्री था तब भी गया, मैं जब कानून मंत्री बने तब भी गया, उस घर को मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने खरीद करके उस घर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम में अंबेडकर मेमोरियल म्यूजियम बना करके बाबा साहब का सम्मान देने का काम किया है। उसको हमने शिक्षा भूमि का नाम दे करके आज वहां पूजा करने जाते हैं। दुनिया के लोग बाबा साहब को सोच को समझने के लिए दीक्षा भूमि और शिक्षा भूमि में जाते हैं। और सर, जिस स्थान में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुए थे उस घर को बाबा साहब का परिनिर्वाण भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। इस देश में दिल्ली के अंदर में बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल जो बड़ा होल सेंटर बना है, आप जाके देखिए किस भव्य से वो स्थल का विकसित किया गया है। मैं अभी पिछले महीने मैं मुंबई गया, मुंबई जाकर के चैत्य भूमि में गया और चैत्य भूमि के सारे भिक्षुओं से मैंने मिला। आप लोग बीच बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं, मेरा बात रिकॉर्ड में जा ही रहा है, सब सुन रहे हैं। सर, मैं चैत्य भूमि में जाकर के बता के आया, मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री हूँ, अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी मैं जिम्मेदारी हूँ, मैं एक बौद्ध भी हूँ। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया और मैं पहला बौद्ध मंत्री कानून मंत्री बना और एक ट्राइबल मैं इस देश का कैबिनेट मंत्री के रूप में बाबा साहब का कुर्सी में बैठने का काम किया, तब मेरा जिम्मेदारी बनता है। मैंने चैत्य भूमि में जो मैनेजमेंट के साथ बात करके कहा है कि बाबा साहब ये चैत्य भूमि है, इसका विकसित बाबा साहब के सम्मान में उस स्टैंडर्ड से होना चाहिए, और हमने उनको कह दिया मोदी जी के नेतृत्व में आपको जो भी मदद चाहिए हम लोग प्रदान करेंगे। सर, आपको भी अच्छा लगेगा, दिल से लगे ना लगे लेकिन कम से कम बोल दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको तो अच्छा लगेगा। इंदू मिल मुंबई में 430 फीट ऊंचाई का अंबेडकर स्टेचू जो बनने जा रहा है, वो अब तक बन गए होते लेकिन उसके लंबाई को और बढ़ाने के लिए परिवार जनों ने रिक्वेस्ट किया है, तो इसलिए उसका ऊंचाई बढ़ाने में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन जब 2026 में उस अरबियन सी, अरब सागर के तट में मुंबई में 430 फीट ऊंचाई का बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति जब खड़ा होगा, सब देख करके अच्छा लगेगा कि ये बाबा साहब का मूर्ति 25-30 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगा और हमको बाबा साहब का कदमों पे चलने के लिए और प्रेरित मिलेगा, ऐसा भव्य वहां पे मूर्ति बनाया जा रहा है। सर, इसी बाबा साहब के नाम से मैं, अब बाबा साहब का नाम बोलने से भी आपको आपत्ति है? सर, आप लोग बाबा साहब को जितना इंसल्ट कर चुके हैं और भी आप ऐसे बोल के आप और इंसल्ट करना चाहते हैं क्या? कम से कम बाबा साहब का नाम लेते समय तो ध्यान में सुनिए। सर, आज का इस चर्चा में मैं फिर से सर आपके सामने में अपने पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से, बाबा साहब अंबेडकर का लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों ने जो भूतकाल में आपने जो पहले जो गलतियां की उसको भूल करके बाबा साहब को जो हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं, 5 तीर्थ स्थल बनाया हुआ है
और साथ साथ में बाबा साहब के नाम में कई प्रोजेक्ट योजनाएं स्कीम चला रहे हैं, उसको सक्सेस कराने के लिए आप भी योगदान दीजिए। हम मिल करके बाबा साहब को सम्मान देना बहुत जरूरी है। संविधान का अंगीकरण करने का 75 वर्ष पूरा होने पर मैं पूरे संविधान की उस सभा में रहने वाले जितना भी महानुभाव महान आत्माओं को नमन करते हुए आपके प्रति भी मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ।